गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू माई ब्लॉग। ये है मेरा नया ब्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज रात को। आप लोग सोच रहे होंगे आज रात को क्यों ब्लॉग स्टार्ट कर रही है। हाँ, तो एक्चुअल में मैंने अभी आज सुबह, मेरा पहले था कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, पर मैं इधर उधर किसी काम में बिजी हो गई, फिर थोड़ी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। लेकिन मैंने सोचा आज मैंने बहुत दिनों बाद उपमा बनाई है, तो ये तो मुझे ब्लॉग में लेना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद उपमा बनाई है। इसकी डिटेल रेसिपी कभी किसी दिन और शेयर करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं मेरी उपमा, और उसके साथ साथ आगे कल राखी है, तो राखी का ब्लॉग तो आएगी, तो मैंने सोचा आज से शुरू कर देते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। और आज अभी सोच रही हूँ मेहंदी लगा लेती हूँ। वैसे मेरा मन था मेहंदी लगवाने जाने का, बट मुझे टाइम नहीं मिला, और तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं नहीं जा रही हूँ, तो इसलिए फिर मैं मेहंदी अभी लगाने नहीं गई। तो अब मैं खुद ही थोड़ी बहुत लगा लूँगी। और पहले मेरे जाने का था ट्यूसडे को, पहले मैं ट्यूसडे को जा रही थी, लेकिन अब मेरा जो प्लान है वो थोड़ा सा चेंज हो गया किसी वजह से, तो अब मैं जाऊंगी मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे को, और होपफुली मैं थर्सडे को जा पाऊँ। बाकी लेट्स सी क्या होता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा उपमा। ये देखिए, ये बनाया है मैंने उपमा, जो कि बहुत ही दिखने में यम दिख रहा है, और मुझे ना उपमा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, तो मैंने बनाया है ये उपमा। अब टेस्ट कैसा है वो मैं आपको खा के बताऊँगी। अभी पहले मम्मी पापा को देते हैं, फिर खाते हैं। उपमा खा के मैं ऊपर आ गई हूँ, और अब मेहंदी का कोन तो मैंने हाथ में ले लिया है, बट हिम्मत नहीं हो रही, बट स्टिल चलो ट्राई करते हैं, कुछ छोटा बहुत थोड़ा बहुत बना लेते हैं और फिर सोते हैं, क्योंकि कल सुबह पूजा भी करनी है, और राखी का भी जो कुछ है वो सब करेंगे। तो चलिए करते हैं कोशिश हाथों में मेहंदी लगाने की। तो ये मैंने मेहंदी की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है, देखिए ऐसी बच्चों जैसी मेहंदी लगा ली है। और मेहंदी लगा करके अब मैं बस इसका सूखने का वेट कर रही हूँ कि ये सूखेगी, तो मैं इसको खेर के और निकाल के ही सोऊंगी, क्योंकि मुझे ना ये बेड पे जो गिरती है वो नहीं पसंद। तो बस अब मैं इसका वेट कर रही हूँ कि सूख जाए, तो बस जैसे ये सूखेगी फिर मैं सो जाऊँगी। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। सो इस व्लॉग को कल भी कंटिन्यू करेंगे, जैसे मैंने आपको भी शाम को भी बताया था। तो अब मिलती हूँ मैं आपसे कल सुबह। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। हो गया है नेक्स्ट डे, और जैसा कि आपको पता है आज राखी है, आपकी रक्षाबंधन। और ये व्लॉग जब तक आएगा तब तक राखी जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकल चुकी होगी, मतलब राखी को ऑलमोस्ट 8-10 दिन हो गए होंगे, क्योंकि मैं ना व्लॉग्स में बहुत पीछे चल रही हूँ, मेरा जो लैक है वो बहुत ज़्यादा है। अभी आज राखी है, हो सकता है राखी के दिन जब मैं आज एक व्लॉग अपलोड करूँगी तो वो 15 दिन पुराना होगा। सो ये जो लैक है, ये जो गैप है, इसको मैं कवर करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। बीच बीच में भी कुछ व्लॉग्स हैं जो मुझे अपलोड करने हैं, सो वो अभी राखी के बाद भी वही सब अपलोड होंगे, तो राखी आते आते आई गेट 8-10 दिन तो निकल ही जाएंगे। और मैं उसमें पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके इस लैक को कम करूँ, और मैं फ्रीक्वेंट वाले ब्लॉग्स आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ, बट वो हो नहीं पा रहा है। सो आई होप कि वो जल्दी कवर अप हो जाए, और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आई नो काफ़ी लेट हो जाएगा, बट स्टिल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं नहा चुकी हूँ, मैं एकदम नहा के रेडी हूँ, और मेरी जो ये मॉर्निंग हो रही है वो काफ़ी लेट हो रही है, ब्लॉग में लेट हो रही है। ऐसे मैं जल्दी उठ चुकी थी, बट आज ना थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा लेजी सा ही डे चल रहा है, और स्लो डे चल रहा है। और उसके साथ साथ बात ये ना कि राखी का मुहूर्त भी लेट है, तो इसलिए फिर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठी भी नहीं। मैंने कहा ठीक है, मतलब उठ तो गई थी लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ, बट आज सावन का लास्ट सोमवार है, तो सावन की सोमवार की पूजा भी करनी है। तो सबसे पहले मशीन में कपड़े गए, अब मशीन चलाएंगे बाद में, आज चलाएंगे तो चलाएंगे वरना नहीं चलाएंगे। सो अभी सबसे पहले सावन की आज जो लास्ट सोमवार है उसकी शिवजी की पूजा कर लेते हैं, तो पूजा की पहले तैयारी कर लेते हैं, तैयारी करने के बाद फिर करेंगे हम पूजा। चलिए चलते हैं, सबसे पहले फूल ले लेते हैं, जितने भी फूल लग रहे हैं कुछ मिल जाएंगे तो ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए छोटे छोटे गुलाब आ रहे हैं, तो छोटे छोटे गुलाब ले लेती हूँ मैं, भगवान के लिए चुन लेते हैं थोड़े से गुलाब के फूल, साथ में ये लाल वाले फूल चुन लेते हैं, ये भी आ गए इस बार, पहले नहीं आए थे अब आ गए, तो चलिए ये भी चुन लेते हैं। थोड़े शायद मम्मी ने चुन रखे हैं, तो यहाँ पे चुन लेते हैं, और ये भी कितने सुंदर है, देखो फूल नंबर ये देखो, ये है कोई मांगने वाली भी आई है। आ,
तो ये मैं ले आई हूँ फ्लावर्स। ये देखिए, ये सारे फ्लावर्स मैं चुन के ले आई हूँ। और यहाँ पे भी काफ़ी तैयारी मेरी ऑलमोस्ट हो रखी है, बस थोड़ा सा दही का करना है और राखी तो बांधेंगे बाद में, तो राखी का बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा यहाँ पे भगवान जी की सफाई करके और पूजा कर लेते हैं। तो पहले तो लाइट सारी जलाते हैं। ठीक है, लाइट जला ली, अब पहले पूजा कर लेते हैं और आज पूजा पहले करेंगे रेडी बाद में। सो यहाँ देखिए, यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी और पूजा की तैयारी मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। देखिए ये फूल तैयार हैं, ये दूध दही और घी शक्कर सब तैयार है, ये आरती की थाली भी मेरी तैयार है और ये फल भी भोग के हिसाब से तैयार हो चुके हैं, आरती का दीपक सब तैयार है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी ने जो गार्डन में थोड़े बहुत पौधे लगा रखे हैं उससे जो मिर्ची विर्ची निकलती है वो देखिए, वो ये है। ये देखिए मिर्ची लगी है हमारे घर की बड़ी, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है कि घर से अगर कुछ छोटा मोटा भी ऐसा निकलता है ना तो मम्मी यूज़ भी करती है तो बड़ी अच्छा लगता है। तो ये निकला है और हमारे घर में ना एक प्रैक्टिस है, शुरू से प्रैक्टिस है कि जैसे अगर कुछ भी चीज़ घर पे लगती है तो मम्मी ना उसको भगवान जी के ही रख के और मतलब कहते हैं ना यूज़ करती है, तो वो हैबिट हमें भी है। तो अगर एक टमाटर भी मेरे घर में होगा तो मैं भी पहले भगवान जी के रखूँगी फिर उसको यूज़ करूँगी, तो ये हैबिट मुझे मेरी मम्मी से है। तो चलिए अब कर लेते हैं फटाफट से पूजा। सो आरती का दीपक आरती की थाली में रख लेते हैं आज, फिर मैंने कोशिश की है नीचे बैठ के पूजा करने की, देखते हैं कब तक हो सकती है, जब तक करने की कोशिश करते हैं थोड़ा बेटर लगता है तो नीचे बैठ के करते हैं। तो अब कर लेते हैं पहले पूजा। तो अब शिव जी का पहले अभिषेक होगा, जैसे कि मंडे है, शिव के बाद पूजा श्रृंगार, उसके बाद वो फिर हम कुछ खाएंगे। अभिषेक की तैयारी मेरी सारी हो चुकी है और यहाँ पर मैंने कर दिया है अपना अभिषेक स्टार्ट। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः। यहाँ पे मम्मी पापा से भी मैं जल और दूध चढ़वाती हूँ, तो मम्मी को मैंने बुला लिया था कि मम्मी आ जाओ, आप भी जल चढ़ा दो शिव जी को और थोड़ा सा दूध भी चढ़ा दो शिव जी को, ताकि जो पूजा वूजा है जो मैं घर पे करती हूँ उसमें मम्मी पापा भी थोड़े इन्वॉल्व हो जाएं, इसलिए मैं उनको भी बोलती हूँ। यहाँ पे अभिषेक करने के बाद मैं करूँगी शिव जी का श्रृंगार और शिव जी को टीका करके चंदन का टीका करूँगी और चंदन का टीका करके फिर मैं करूँगी उनका श्रृंगार। यहाँ देखिए हो गई है मेरी पूजा, ये मेरे शिव जी और ये मेरे लड्डू गोपाल जी और ये पूरा मंदिर देखिए सज चुका है। अब बस दीपक करूँगी, पाठ करूँगी और फिर आरती करूँगी। सो हो गई है मेरी पूजा। सो इधर देखिए, इधर हो गई थी मेरी पूजा, ये मेरा दिया है और ये पूरा जो श्रृंगार जो मैंने किया था और उस दिन मैंने फलों का भी भोग लगाया था अपने भगवान जी को। हो गई है मेरी पूजा, आप लोग भी आरती ले लीजिए, ये आप लोग भी सब आरती ले लीजिए। मैंने अच्छे से कर ली है पूरी पूजा और अब मैं कुछ खाऊंगी। मेरा आज थोड़ा, जैसे मैंने आपको बताया, सर भी दुख रहा है तो कॉफ़ी वगैरह कुछ पीऊँगी और फिर शाम के टाइम पे शाम के मुहूर्त में हम लोग करेंगे राखी का जो है, राखी वगैरह बांधने का। भगवान जी को भी मैं शाम को राखी बांधूंगी, पापा को भी शाम को बांधूंगी। सो गाइज, अभी नीचे मम्मी की थोड़ी हेल्प करा करके और किचन का काफ़ी कुछ काम कम्प्लीट करवा करके, वैसे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि जिस दिन मेरा फास्ट होता है उस दिन मम्मी मुझसे थोड़ा सा काम कम करवाती है या नहीं करवाती है, ऐसा रहता है, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा बहुत जो हेल्प करानी थी करा के ऊपर आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं एक व्लॉग एडिट कर रही हूँ उसमें मुझे कुछ वॉइस ओवर और कुछ काम था, तो मैंने कहा मैं ऊपर चल के ही करती हूँ क्योंकि यहाँ पे जहाँ मैं बैठ के वॉइस ओवर करती हूँ ना तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा क्लियर वॉइस आता है, बहुत क्लियर वॉइस आता है। सो इसलिए मैं आ गई हूँ अपने कमरे में, अपने रूम में, मेरी फेवरेट जगह पर। और अभी राखी के लिए जो है वो शाम को मम्मी ने बोला कि 3:30 के बाद जो है, तो अभी पापा भी थोड़ा सा रेस्ट करने चले गए थे मम्मी के साथ किचन में, मम्मी का किचन का काम हो गया। अब शाम को हम लोग शाम के मुहूर्त में हम लोगों ने सोचा है कि राखी बांधेंगे। सो पूजा वूजा तो हो चुकी है, बस राखी वगैरह बांधनी है, तो राखी तो मैं तो पापा को बांधती हूँ। वैसे आप लोगों को अगर पता हो तो नहीं, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि राखी पे ही मेरा पहला व्लॉग है, तो इससे पिछले साल मैंने राखी पे व्लॉग नहीं बनाया था और उससे पहले मैं व्लॉगिंग करती नहीं थी, तो इसलिए आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। सो मैं आपको बता रही थी कि मैं अपने पापा को राखी बांधती आ रही हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी तब से मैं अपने पापा को राखी बांधती आ रही हूँ। सो पापा जो हैं वो मतलब आपको मेरे व्लॉग से और मेरे उनके साथ के कन्वर्जेशन से और सब कुछ पता लग ही जाता है वैसे। सो पापा मेरे फ्रेंड भी हैं, मेरे भाई भी हैं, पापा तो वो हैं ही मेरे, वो एक ऐसा पिलर है मेरी लाइफ का जो कि
मुझे स्ट्रेंथ तो देता ही है, एक लव, केयर, अफेक्शन जो वो मेरे को देते हैं ना, मतलब मैं आपको वर्ड्स में तो शायद ही एक्सप्लेन कर पाऊँगी. सो मैं काफ़ी टाइम से उनको राखी बांधती आ रही हूँ, बचपन से राखी बांधती आ रही हूँ, तो मैं उनको राखी बांधूँगी. और उनको राखी बांधने से पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को राखी बांधूँगी, क्योंकि लाइफ में एक ऐसा मूड आया था, एक ऐसा पॉइंट आया था जिस पॉइंट पे मैंने उनको राखी बांधना शुरू किया था. वो मोड क्या था क्या नहीं था वो तो मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना नहीं चाहती. सो एक ऐसा मोड था जिस मोड से मैंने लड्डू गोपाल जी को राखी बांधना शुरू किया था. तो लड्डू गोपाल जी कह लो या आप श्याम जी कह लो या कृष्ण जी कह लो, सब एक ही रूप है. सो मैं उनको दिल से, अपने मन से अपना एक भाई मानती हूँ, जो मुझे लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करेगा, सेव करेगा चीज़ों से. और मतलब हमेशा जो कहते हैं ना, साथ देने वाली चीज़ें, मेरा उन पर इतना फेथ है, इसलिए मैं उनको भी राखी बांधती हूँ. तो सबसे पहले मैं मुहूर्त में उनको राखी बांधूंगी, उससे पहले उसके बाद सबसे पहले उनको राखी बांधूंगी, उसके बाद पापा को राखी बांधूंगी, और फिर जो मतलब मम्मी को, और मेरे हाथ में भी एक धागा जो है वो मैं बनवाऊंगी, क्योंकि मुझे सूना हाथ पसंद नहीं है. वैसे मुझे कोई एज सच नहीं बांधता है, सो ठीक है, सो मैं खुद ही अपने लिए वो करती हूँ वो. ओके, सो अभी अभी क्या करेंगे, अभी ऊपर आए हैं. सो अभी मम्मी ने चाय भी भिजवा दी है, तो चाय पियेंगे. पहले चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद फिर रेडी होते हैं. रेडी होने के बाद राखी, सो अब फटाफट से पहले फ़ोन भी चार्ज कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर रेडी होते हैं, फिर रेडी होके चलते हैं नीचे और फिर बांधते हैं राखी सबको. सो अब मैं आ गई हूँ वापस अपने कमरे में. नीचे टाउन मार के आई थी कि नीचे क्या हो रहा है. सो नीचे मम्मी की थोड़ी सी तबीयत डाउन सी हो गई है, काफ़ी एग्जर्शन हो गया शायद उनको, इसलिए तो वो रेस्ट कर रहे हैं. और अभी मैं आई हूँ ऊपर रेडी होने के लिए, कि मैं अपने पापा को काम है, फटाफट रेडी हो जाती हूँ. सो मैं रेडी होकर के अब जाऊँगी नीचे पापा को और लड्डू गोपाल जी को राखी बांधूँगी, मम्मी को राखी बांधूँगी, और फिर थोड़ा बहुत अगर हुआ तो कुछ रील वील शूट कर लूँगी, नहीं तो देखते हैं क्या होता है. और फिर शाम का मम्मी वगैरह को, पापा वगैरह को खाना वाना भी खिलाना वो करेंगे. सो अभी सबसे पहले तो मैं हो जाती हूँ रेडी. सो गाइस, हो गई हूँ मैं रेडी एकदम से, और आपको पूरा लुक अभी दिखाती हूँ. बस बाल और चूड़ी पहनना बाकी है, तो पहले चूड़ियाँ पहन लेते हैं और उसके बाद फटाफट से बाल बना लेते हैं. वैसे हो गई हूँ रेडी एकदम परफेक्ट, बहुत ज़्यादा तो कुछ करना नहीं था, थोड़ा बहुत रेडी होना था, हो गए हैं. और अब फटाफट से पहन लेते हैं, फटाफट से बना लेते हैं बाल. ठीक है, पूरा लुक आपको दिखाते हैं अभी दो मिनट में. मैं हो गई हूँ रेडी और आपको पूरा लुक मैं इधर दिखाती हूँ, क्योंकि उधर मेरे यहाँ ना थोड़ा सा कुछ सामान वामान पड़ा रहता है, तो मुझे मैं दिखा नहीं पाती. तो मैं चलिए आपको मेरा पूरा लुक यहाँ दिखाती हूँ. सो गाइज, ये देखिए मैंने पहनी है ये वाली साड़ी और हो गई हूँ मैं बिल्कुल रेडी. ये देखिए मेरा पूरा लुक. और कैसी लग रही हूँ मैं बताइएगा ज़रूर आप, कि कमेंट करके कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ. अब इधर मैं आ गई थी मंदिर में, और मंदिर में मैं आई थी अपने लड्डू गोपाल जी और कृष्ण जी को जो है वो राखी बांधने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता था कि शाम का मुहूर्त था, जो मैंने शाम को ही राखी बांधी थी. पहले भगवान जी को राखी बांधी थी और उसके बाद फिर मैंने मम्मी पापा को राखी बांधी. तो इधर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को राखी बांधी. लड्डू गोपाल जी के साथ साथ मैं कृष्ण भगवान को भी, जो मम्मी के यहाँ विराजमान है उन कृष्ण भगवान जी को भी मैंने राखी बांधी. और उसके बाद जो है वो मैं मम्मी पापा को राखी बांधने वाली हूँ. तो इधर देखिए, इधर मेरे कृष्ण भगवान और लड्डू गोपाल कितने सुंदर दिख रहे हैं, जिनको मैं राखी पहना रही हूँ, राखी बांध रही हूँ. सो इधर ये पूरा ये सारी चीज़ चल रही है, पूजा और भगवान जी को मीठा खिलाना, क्योंकि राखी बांधने के बाद जैसे हम भाइयों को भी मीठा खिलाते हैं, तो वैसे ही हम भगवान जी को भी पहले मीठा ही खिलाते हैं. हमारे यहाँ भगवान जी को राखी बांधने के साथ साथ जो मेन चीज़ें होती हैं उनको भी राखी बांधी जाती है. जैसे मैं मंदिर के सिंहासन को राखी बांधती हूँ, गाड़ी को, घर के मेन दरवाज़ों को, मतलब 5-7 जगह मैं राखी बांधती हूँ. अलमारी को भी मैं राखी बांधती हूँ. तो ऐसे सब क्यों राखी बांध के मैं आ गई थी अपने मम्मी पापा को राखी बांधने के लिए. तो इधर मम्मी पापा भी आ गए हैं, और मम्मी की जैसे मैंने आपको बताया कि तबीयत ठीक नहीं थी ज़्यादा, तो मम्मी ने फिर ज़्यादा कुछ चेंज भी नहीं किया. पहले मम्मी ने बोला था मैं चेंज करूँगी, साड़ी पहनूँगी, लेकिन अब मम्मी की तबीयत क्या थोड़ा सा दिन पे दिन नहीं अच्छी ज़्यादा रहती, तो फिर मम्मी ने कहा मैं तो दुपट्टा ही डाल रही हूँ और तुम लोग ऐसे ही कर लो. मैंने कहा ठीक है मम्मी, कोई दिक्कत नहीं है.
सो यहाँ पे मैं मम्मी को भी राखी बांधूंगी, पापा को मैंने राखी बांध दी है और इधर अब मैं मम्मी को भी राखी बांधूंगी। तो मम्मी को मैं चूज़ करवा रही थी कि मम्मी कौन सी राखी बांधोगे आप, फिर मम्मी ने मुझे बोला कि तू मेरे सिंपल सा धागा ही बांध दे, ज़्यादा वैसे राखी मत बांध क्योंकि मुझे काम करना होता है तो मुझे थोड़ी दिक्कत सी होती है। तो मैंने कहा ठीक है जो आपको पसंद हो। मम्मी को वैसे भी सिंपल सा धागा ही हमेशा से पसंद आता है तो मम्मी ने सिंपल सा धागा चूज़ किया और धागा चूज़ करके वही राखी मम्मी ने मुझसे बंधवाई। उसके बाद राखी बांधने के बाद मैं इन दोनों का भी मुंह मीठा कराऊंगी, मम्मी और पापा का, और उनका आशीर्वाद लूंगी क्योंकि पेरेंट्स के आशीर्वाद के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए और उनसे जब आशीर्वाद मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। सो मैं तो जब मौका मिलता है हर बड़े इंसान का आशीर्वाद लेना प्रेफर करती हूँ। सो मम्मी पापा को राखी बांधने के बाद मुझे मिले गिफ्ट में दो राजपूती पोशाक। सो वो मैंने आपको बोला था मैं ग्वालियर जाके आपको दिखाऊंगी, तो मैं ग्वालियर जाके ही आपको दिखाऊंगी। सो ये हैं वो दो राजपूती पोशाक। और उसके साथ साथ जब नारियल मैं पापा को सिक्के के साथ दूंगी तो उसमें मुझे कैश रख के तो वो देंगे ही देंगे। गिफ्ट देने के बाद भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि राखी पे पापा मुझे कैश ना दें, या जब भी मैं ग्वालियर से वापस आती हूँ तब भी पापा मम्मी मुझे कैश देते ही देते हैं। ये चाहे मैं ही नहीं, चाहे भैया भाभी रिद्यांश भी जब आते हैं और जाते हैं तो उनको भी मम्मी पापा कैश देते हैं। वो मम्मी पापा की एक आदत है, एक शगुन देने की जो वो आदत है ना, वो मम्मी पापा की है ही कि मम्मी पापा शगुन देंगे ही देंगे चाहे जो भी हो जाए। और मम्मी हमेशा ये कहती है कि ये शगुन हमेशा संभाल के रखना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो शगुन संभाल के रखूँ। और यहाँ पे अब मम्मी मुझे राखी बांध रही है क्योंकि ऐसे मुझे कोई राखी नहीं बांधता है, ना भेजता है ना बांधता है, तो मैं अपने लिए धागा खुद खरीद के मैं खुद बांधती हूँ। राखी वगैरह बांध ली है और मुझे मिली है दो ड्रेसेज राखी पे गिफ्ट, और साथ में मिला है कैश, कुछ कैश भी मिला है। राखी का गिफ्ट, राखी का इनाम मिला है हमें, और मैंने भी बांध ली है राखी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने भी अपनी ही राखी बांध ली है। सो हो गया है, राखी वाखी बांध ली है। अब खाएंगे खाना वाना थोड़ी देर में, थोड़ी देर रील्स वील्स बनाएंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे, पहले थोड़ी देर ऊपर जाके चेंज वेंज करने से पहले रील्स बनाएंगे। कुछ रील्स मैं बना चुकी हूँ, सो अभी पहले ऊपर जाके थोड़ा चेंज वेंज करेंगे। सो अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। जब कभी भी कोई नए कपड़े या नई चीज़ हमारे यहाँ आती है तो जैसा मैंने आपको बताया था कि वो सबसे पहले भगवान के सामने रखी जाती है, तो वही जो मुझे राखी की ड्रेसेस और राखी का गिफ्ट मिला था मैं भगवान के सामने रखने चली गई थी। भगवान के सामने एक बार भगवान जी को चढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर जो है वो हम उसको जब पैक करना होगा तब ले जाएंगे। तो यहाँ पे जो मुझे कैश भी मिला था वो भी मैंने भगवान जी के सामने रख दिया, और जो मुझे ड्रेस मिली थी वो भी मैंने भगवान जी के सामने रख दिया, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ भगवान जी का भी आशीर्वाद। और ये वो ड्रेस की एक झलक है जो आप देख लेंगे, बाकी जो ड्रेसेस है वो मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। ये देखिए तिरंगा कितना अच्छा दिख रहा है, सही बोल रहे हैं पापा, तिरंगा एकदम मस्त दिख रहा है। ये वाला तो और ही मस्त दिख रहा है, ये देखिए मस्त तिरंगा दिख रहा है। ये इंडिपेंडेंस डे की जो लाइटिंग है वो अभी भी चल रही है, थोड़े दिन और चलेगी शायद, फिर नॉर्मल लाइटिंग हो जाएगी। सो अब नीचे चलते हैं, देखते हैं मम्मी की तबीयत शायद अभी भी ठीक नहीं हुई है, तो क्या है क्या सिचुएशन है, देख के आते हैं नीचे भी। फ़ोन भी चार्ज करना है, फ़ोन भी चार्ज नहीं है, और व्लॉग भी एडिट तो काफ़ी कुछ कर लिया है पर थोड़ा बहुत और करना है क्योंकि व्लॉग एडिट करके व्लॉग अपलोड करना है। सो वो भी अपलोड करके आज अपलोड करना ही है, रात को ही करूँगी पर कर दूँगी आज अपलोड किसी भी कंडीशन में, क्योंकि कल परसों में फिर रिकॉर्ड डालूँगी, फिर थर्सडे को तो निकलना ही है मुझे, तो उसकी भी थोड़ी तैयारी और जो बची एक आध चीज़ें वो ले लूँगी। वैसे तो सारी प्रिपरेशन हो चुकी है क्योंकि मुझे पहले ट्यूसडे को जाना था, मतलब कल, तो अभी तो मेरी सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन थोड़ी बहुत फिर भी बाकी है, तो वो मैं कल परसों करके और फिर मैं निकल जाऊँगी थर्सडे को। चलिए चलते हैं। सो गाइस मैं आ गई हूँ अब ऊपर, और मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो फिर खाना वगैरह भी जो है वो फाइनल मैंने बना करके और फिर पापा मम्मी को पहले खिलाया और फिर मैंने खाया। सो मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से सारा किचन का काम मैं समेट के आई, सब कुछ करके आई, सब कंप्लीट करके आई हूँ, और मैं आई हूँ ऊपर क्योंकि जैसे मैं आपको दिन से बता रही हूँ कि मुझे व्लॉग एडिट करना था, व्लॉग अपलोड करना था, लेकिन ना मैं एडिट कर पाई ना मैं अपलोड कर पाई। सो अब मैं सोच रही हूँ मैं उसको अभी ही एडिट करके अभी ही अपलोड कर दूँगी, हो पाया मौका मिल पाया तो अपलोड कर देंगे, वरना कल सुबह करेंगे, लेट्स सी जैसा भी होगा। और अभी मैं एक्चुअली आई थी छत पे, और आप सोचोगे कि मैं रात को छत पे क्यों आई हूँ,
तो मैं छत पे इसलिए आई थी क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी पूनम का बहुत सुंदर चांद, बट वो चांद ना अब बादलों के बीच छुप गया तो वो ना दिख नहीं रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। अदरवाइज़ वो इतना सुंदर दिख रहा था, इतना सुंदर दिख रहा था, आधा बादलों के बीच में छुपा हुआ और आधा पूरा चांद, तो मतलब पता नहीं क्यों अपने आप में इतना सुंदर था। अगर बादल हटेंगे अभी और मुझे दिखा चांद तो मैं आपको ज़रूर दिखाने लाऊंगी। वैसे वो हल्का हल्का दिख रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये इस साइड है वो चांद, अगर आपको थोड़ा सा भी दिख रहा हो तो इधर है वो चांद। अगर बादल हटेंगे ना तो आपको वो सुंदर सा चांद देखने को मिलेगा, अगर वो बादल हटते हैं तो मैं आपको वापस दिखाती हूँ। सो गाइस, जैसे मैं आपको बता रही थी कि चांद जो है वो बहुत सुंदर दिख रहा है। ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो चांद कितना सुंदर दिख रहा है। तो ये है वो पूनम का चांद, आज राखी वाला चांद, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है, जो मैं कैप्चर करके आपको दिखाना चाहती थी। देखिए बादल छट रहे हैं धीरे धीरे तो और अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस, रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, और इसके बाद मैं उस व्लॉग का एंड भी नहीं ले पाई थी क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो मैं फिर जस्ट सो गई थी और अब मैं उस व्लॉग की एंडिंग ले रही हूँ आज सुबह। नेक्स्ट डे कल का भी दिन पूरा निकल गया, कल भी मैंने कुछ शूटिंग वूटिंग नहीं की, तो मैं एक दिन बाद, मतलब डेढ़ दिन बाद ले रही हूँ व्लॉग की एंडिंग। सो यस, इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको इस व्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में जो क्या होगा, मोस्ट प्रॉब्ली जो है मैं जा रही हूँ मायके से मैं ससुराल जा रही हूँ, स्लिप ऑफ टंग हो गया। सो मैं जा रही हूँ अब अपने घर वापस ग्वालियर। सो ये सब वही सब मिलेगा आपको, और आगे आने वाले व्लॉग में मेरे बर्थडे और बर्थडे के सेलिब्रेशन। सो चलिए, चल मिलते हैं आपसे।